दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट को एग्जामिनेशन से पहले किन पांच बातों का ध्यान रखना है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। आजकल आपने देखा होगा आपके मैसेजेस में व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज आते हैं कि भाई ये सीधा मैसेज डायरेक्ट सीडी से आया है साईं बाबा का। अगर आप इसे 10 स्टूडेंट को या 10 लोगों को शेयर करते हैं तो आप एग्जामिनेशन में 90+, 80+ या फिर आप अपने एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ लिखा होता है। और हम भी बहुत से स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहूंगा सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, बट मैं दोस्तों मैं सच कहता हूं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स ये काम करते हैं कि वो सीधा लिया अपने फ्रेंड को, फैमिली मेंबर्स को या अगर रैंडम किसी को सेंड कर दिया। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, आपका एक तो माइंड डाइवर्ट होता है, टाइम वेस्ट हुआ, सामने वाला आपको फिर दोबारा रिप्लाई करता है भाई ये क्या है, फिर आप उसे एक्सप्लेनेशन देते हो कि अरे सॉरी बस ऐसे ही मैसेज आया था तो मैंने करा। और देखो वो आपको कहीं ना कहीं मन में मन कोश रहा होगा, तो ये सारी चीजें ना करें, इससे आपका बिल्कुल माइंड डाइवर्ट होता है ना। एजुकेशन से बिल्कुल एक लिंक से हट के आप एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करने लगते हैं जो बेफिजूल है। अगर भगवान पे सही से श्रद्धा है तो थोड़ा सा आसपास के मंदिर हो लीजिए जो आपके घर के आसपास, इस टाइप की फालतू चीजें बिल्कुल भी ना करें। नंबर 2, बार बार आप अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे स्टोरीज पोस्ट, फेसबुक पे पोस्ट ना करें। दोस्तों प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है, पोस्ट करने में 1 मिनट लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने स्नैप ली या फोटो क्लिक किया, सेल्फी ली और अपलोड कर दी, उसके बाद की कहानी कितने लाइक्स आए, किसी ने कोई गलत कमेंट तो नहीं कर दिया, ये आपके माइंड में दिन भर चलता रहता है। इससे कहीं ना कहीं आप माइंड डाइवर्ट होता है और मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन टाइम में थोड़ा सा बंद कर दीजिए एंड आफ्टर एग्जामिनेशन एक क्या दिन में 3-4 सेल्फी अपलोड करिए। चलिए दोस्तों तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा, मैंने देखा है कि बहुत सारे फ्रेंड आपसे पूछते रहते हैं कि तेरा हो गया क्या, और वो बहुत सारे क्या हम भी पूछते रहते हैं सभी अपने फ्रेंडों से तेरा कितना हुआ, फिर वो रिप्लाई करता है बस मैंने तो 2 बुक खत्म कर दी, अब तीसरे पे लगा हुआ हूँ, बस ये तीसरा भी खत्म हो जाएगा फिर एक सैंपल पेपर कर लूंगा। आप सोचते हैं यार ये 3 कर रहा है, अपन तो भाई एक भी कम्प्लीट नहीं कर पाए, डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। तो दोस्तों इस पे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि 6 दोस्त ना माउंटेन पे चढ़ने का एक प्लान बनाते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो सामने एक नदी आती है, तो आगे वाला कहता है यार पता नहीं ये नदी कितनी गहरी होगी, कहीं हम इसमें गए डूब गया तो, आगे वाला कहता है, दूसरा सुनता है और वो 2 वहीं पे रुक जाते हैं, पर 4 आगे बढ़ते रहते हैं, नदी भी पार कर जाते हैं। आगे एक बहुत बड़ा जंगल आता है, फिर एक कहता है पता नहीं यार इसमें कौन से सांप होंगे, अगर काट लिया तो मैं नहीं जाऊंगा, वो कहता है, दूसरा सुनता है, वो दोनों रुक जाते हैं, पर 2 लोग आगे बढ़ते रहते हैं, फिर जंगल भी पार हो जाता है। आगे देखते हैं, फिर आगे वाला कहता है अरे यार ये तो वहां से देखने से फ्लैट लगता था, यहाँ तो बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं हम गिर गए तो, बट वो कहता है, बट वो रुक जाता है, और लास्ट वाला चलता रहता है। और एक टाइम आता है जब उस माउंटेन पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों वो क्यों पहुंच जाता है, ये मेरा सवाल है आप सभी से। तो आप लोग जरूर आंसर्स करेंगे कि सर उसका विजन क्लियर था, उसको मालूम था कि उसे कहाँ जाना है, उसने नेगेटिविटी को इग्नोर किया, ये बिल्कुल सही आंसर हो सकता है आपका। लेकिन दोस्तों मेरा आंसर ये है कि वो बहरा था, अगर वो भी सुन लेता, हम जैसा ही होता, तो आई एम श्योर कि वो रुक जाता, लेकिन वो बहरा था। इसीलिए इस टाइम किस स्टूडेंट का कितना कोर्स हो गया, किसका क्या नहीं हुआ, इस पे ना ध्यान देके अपने पे ध्यान दीजिए कि मैंने कितना कवर कर लिया, इतने टाइम में मैं कितना कवर करूंगा और मुझे आगे कितने टाइम में क्या करना है। दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 पे है, होता क्या है एंड में आप आते हैं और आपने ऑलरेडी एक NCERT बुक पढ़ रहे हैं, रिफ्रेशर की बुक पढ़ रहे हैं, एक सैंपल पेपर भी ले लिया सफिशिएंट था जो मार्केट में चल रहा है, फिर भी आपके दिल को संतुष्टि नहीं मिलती। जो भी नया फ्रेंड या जो भी फ्रेंड मिला, भाई तू कौन सी बुक से पढ़ रहा है, उसने कहा भाई यार मैं तो शिवदास से पढ़ रहा हूँ, शिवदास की तो बात ही अलग है, बस आपके माइंड में आ गया अब शिवदास ही है जो मुझे 90 दिला सकता है। अब आपने सिद्धार्थ ले ली, अब नई बुक ली है, सब कुछ नया लग रहा है, आपको फील है जब स्टूडेंट ये लगता ही है, पहला पेज दूसरा पेज आपको लगता है यार इसमें भी सब कुछ वही है जो पहले वाले में था, साइड रख दी, फिर आगे बढ़ने लग गए, फिर एक नया फ्रेंड मिला, तू कौन से बुक से पढ़ रहा है, आर एस अग्रवाल, बस भाई अब यही दिला सकता है 90, वो भी बुक ले ली, वो भी देख रहे हैं उसमें भी सारा कुछ ऐसा ही। तो इस टाइम बुक लेना कम करिए, पढ़ना ज्यादा करिए, क्योंकि सारी बुकों में वही बातें होती है। हाँ 1-2 बुक ऑलरेडी सबको पता है कि आपने ऑलरेडी सैंपल पेपर ले लिया है, एक NCERT है, एक रिफ्रेशर है, ये बहुत होता है, सफिशियंट है मैं बताऊँ। और बहुत से सब्जेक्ट्स के लिए तो NCERT बिल्कुल सफिशियंट है। दिल्ली के बेस्ट टीचर्स हैं मैथ्स के, उनसे मैं बात कर रहा था तो वो कहते सर मैं आपको बताऊं CBSE के लास्ट 10 ईयर्स में बच्चे हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि पेपर तो बाहर से आ गया, NCERT से तो कुछ भी नहीं था, और मैं बता रहा हूं आपको सारा का सारा NCERT से। क्या उस बच्चे ने NCERT 100% कंप्लीट किया, नहीं। कुछ सब्जेक्ट्स में, मैं ये नहीं कहता कि सारे सब्जेक्ट्स में आप NCERT फॉलो करिए, अकाउंट्स के लिए TS ग्रेवाल चलती है, अदर सब्जेक्ट्स सबकी अपनी अपनी बुक्स है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा आप NCERT फॉलो करिए, बट एक लिमिट 1-2 बुक ली बस, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखिए। और दोस्तों मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को कमेंट किया, वो बार बार कंप्लेन कर रहे थे सर मेरा टाइम ट्यूशन का टाइम मॉर्निंग में है, या फिर आपने जो टाइम बताया उस टाइम मेरे ट्यूशन का टाइम है, तो मैंने उनसे हर एक
एक के कमेंट में आंसर दिया है कि आप टाइम टेबल फ्लक्चुएशन कर सकते हैं कि भाई 2 घंटे अभी नहीं पढ़ रहा हूँ तो ट्यूशन के आने के बाद ये मेरा टाइम है, अगर मैं 6 to 8 नहीं पढ़ पा रहा तो मैं 8 to 10 पढ़ लूंगा। बट मैंने आपसे एक बात हर एक के कमेंट में लिखी है कि टाइम जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब 8 आवर्स पर डे पढ़ना है तो पढ़ना है दोस्तों। टाइम टेबल कुछ भी हो जाएगा, ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, कहीं फ्रेंड के यहाँ चले गए लेट आए वहां से कोई बात नहीं, लेकिन 24 घंटे में जो 8 आवर्स हमें कंप्लीट करने हैं वो करने हैं। डेडिकेशन बहुत बड़ी चीज होती है। कोई बात नहीं, अरे प्लान ए काम नहीं कर रहा तो अल्फाबेट में 25 लेटर्स और भी होते हैं, उन्हें भी यूज करिए। और दोस्तों नंबर 5 पे है कि इसमें नहीं करने वाली बात नहीं है, ये करने वाली बात है। इस टाइम आप क्या करिए दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को ये एडवाइस करा था कि आप सॉल्व करिए, मतलब इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल कर, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो उस सब्जेक्ट का इलस्ट्रेशन पढ़िए पहले या एग्जाम्पल करिए। और अब उसमें मैं एक बात ऐड कर देना चाहता हूँ हम सभी के लिए कि दोस्तों इलस्ट्रेशन से ना कॉन्फिडेंस तो एक थोड़ा इंटरेस्ट तो आ जाता है बट कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस के लिए आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, मतलब पेपर अनसॉल्व पेपर अब करना स्टार्ट करिए, अब टाइम नहीं है, 30 डेज बचे हैं ओनली, 30 उससे भी कम मैं कहूँ तो अब अनसॉल्व पेपर करना स्टार्ट करिए, फिर उसके आंसर्स चेक करिए, अगर उसके पीछे आंसर्स गिवन है, मतलब जिसके आंसर्स साथ साथ में गिवन है, जैसे क्वेश्चन सामने नीचे आंसर्स, वैसे क्वेश्चन आप भूल के भी मत करिए। अगर आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगा लिया है अपना, तो अगर अभी भी नहीं है तो इलस्ट्रेशन थोड़ा करिए, फिर बाद में अनसॉल्व पे फोकस करिए, और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी ट्राई मत करिए इसका क्वेश्चन ऊपर आंसर सामने, क्योंकि दोस्त ये ना स्टूडेंट को लगता ही ऐसा, भाई थोड़ा देख लिया तो क्या हो गया, हेल्प मिलती है, हिंट है, इससे थोड़ा सा मतलब एक ना गोथ्रो हो जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं। अनसॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंस यहाँ बिल्डअप होता है आपका। और दोस्तों किसी ने कहा है कोई जब आपसे पूछे ना कि कब तक पढ़ेगा तो आंसर बड़े प्यार से देना कि तब तक पढ़ता रहूंगा जब सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी ना लग जाए। और दोस्तों अब इंतजार करना बंद कर दो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। दोस्तों ये कुछ टिप्स थी जो कुछ नहीं करने की और लास्ट में करने की, आई होप कि आपको ज्यादा समझ आया हो। इसमें बहुत सी बातें आप पहले से जानते होंगे, मैं जानता हूँ, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं, और आप लोगों का बड़ा प्यार और स्नेह मेरे लिए आ रहा है कमेंट में, इतना थैंक यू सो मच। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, और ऐसे ही कमेंट करते ही दोस्तों मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ आपके लिए, और इससे भी और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। और दोस्तों हमारा फेसबुक पे पेज है महात्मा जी टेक्निकल करके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में दे रहा हूँ, तो आप वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं। हमारे चैनल पे जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको पहले ही फेसबुक पे मिल जाया करेंगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए, और अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एवरी डे या फिर मैं वीक में कहूँ काफी वीडियोस मिलेंगे जो कि एजुकेशन, न्यूज, स्मार्ट स्टडी स्किल्स और मोटिवेशनल वीडियो से रिलेटेड होंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।